और अब बात करेंगे सियासत में चल रही गहमा गहमी के हवाले से। तो परवेज इलाही ने अगर कल एतमाद का वोट नहीं लिया तो वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे। वफाकी वज़ीर दाखला राना सनाउल्ला कहते हैं कि परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेना चाहिए, परवेज इलाही को अपने लोगों से असेंबली ना तोड़ने का वादा करना चाहिए। कल 4 बजे अजलास न हुआ और चीफ मिनिस्टर ने एतमाद का वोट ना लिया तो ही विल सीज टू बी इन द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। हमें एतमाद का वोट जो है वो लेना चाहिए और अपने लोगों को के साथ ये वादा करना चाहिए कि वो असम्बली नहीं तोड़ेंगे। जब 99% लोग चाहते हैं कि असम्बली ना तोड़ी जाए तो फिर जौहरी परवेज इलाही साहब क्यों तोड़ रहे हैं ऐसा? अब एक पागल आदमी, एक इंसान जो है वो पीटीआई को भी हादसे से दो चार कर रहा है, पंजाब गवर्नमेंट को भी हादसे से दो चार कर रहा है, सिस्टम को भी कर रहा है। इस वक्त कौम में, अदारों में, हर जगह पे ये कंसेंसस है कि इस पागल आदमी को रोका जाए वरना ये इस मुल्क को किसी हादसे से दो चार कर देगा।